नमस्कार दोस्तों, एबीबी टेक में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि बैकग्राउंड है इरेजर फोटो एडिटर ऐप क्या, और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस ऐप का रिव्यू देंगे काफ़ी अच्छा है, जो कि 4.7 है, उसका डाउनलोडिंग है वो 1 करोड़ प्लस देखने को मिल जाएगी, जो कि इसकी डाउनलोडिंग काफ़ी अच्छी है। और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो, जो कि ऐसे अपने बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों, क्या करना है, इस ऐप को ऐसे हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, ये ऐप रहेगी कुछ इधर से ऐसे आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, देख सकते हो इस ऐप का जो भी इंटरफेस रहेगा वो कुछ इधर से ऐसे आपके सामने शो करने लग जाएगा। शो हो जाने के बाद दोस्तों, इस ऐप का जो भी इंटरफेस रहेगा वो कुछ इधर से यहाँ पर थोड़ी देर आपको वेट करना, और ऐसे आपके सामने कुछ इधर से ऐसे अपना जो भी इस ऐप का जो भी ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर शो करने लगेंगे। शो हो जाने के बाद दोस्तों, इसमें अपने फोटो किस तरह से ऐसे आप फोटो का वगैरह बैकग्राउंड है वो यहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों, उसी तरह से यहाँ क्रिएट वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, और जैसे अलाउ वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से अपने जो भी फोटो का बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हो यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे इधर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसी तरह से दोस्तों, यहाँ से हम अपना जो भी ये वाला ऐप है तो इसे हम ऐड कर लेंगे, और उधर ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों, देख सकते हो इसका भी बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से आप अपने फोटो को यहाँ पर अपना जो भी बैकग्राउंड इधर भी आपके सामने देखने को मिल जाएंगे, जो भी इधर नीचे की तरह है, तो यहाँ पर आप अपना जो भी यहाँ पर अपना जो भी बैकग्राउंड रहेगा वो रिमूव देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये हमारे सामने कुछ इधर से ऐड आएगी, ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी यहाँ पर अपना जो भी फोटो वगैरह रहेगा वो यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो भी क्वालिटी चाहिए उसकी क्वालिटी में यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस फोटो को यहाँ से हम सेव कर देंगे। यहाँ पर अपने जो भी इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से हमारे सामने यहाँ से हम गुड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और उसी तरह से ऐसे हमारा जो भी ये फोटो रहेगा हमारा जो भी अंदर मोबाइल में सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद दोस्तों, ऐसे आप अपने जो भी बैकग्राउंड है वो ऐसे आप आराम से रिमूव कर सकते हो कुछ इधर से, इस ऐप को ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।